मैडम सीताराम सबको। तो आज ना डेली बेन को निकलने का टाइम हो गया, 4-5 बजे निकलेंगे, लेकिन पैकिंग सब कर लिया है ऑलमोस्ट 10% जितना, 90% बाकी 10% जो सुख नहीं निकाला वो पैकिंग हो गया, जो बाहर है वो नहीं, जो ऑलरेडी पैकिंग था वो पैकिंग हो गया मतलब। और शिव को ना पता है कि बैग पैक हो रहे तो कुछ किसी को जाना है, शिव को ऐसा लग रहा है, शिव को मेरे जैसा है कि शिव को लग रहा है कि शायद हमें भी जाना है कहीं घूमने के लिए, ऐसा शिव को लग रहा है ना। शिव शिव प्लेन में कैसे जाना है? जी जवान जी प्लेन जय है। शिव प्लेन शिव डेलीफिन की जाऊँ प्लेन में है? जी जी आवाज हेट करते हो फ्लोर ऊपर है प्लेन है जी। प्लेन क्यों कर रही हूँ नहीं जा रहे इंग्लैंड, खबर नहीं देंगे अभी जाने का, जाने की बात अभय के पास मत करो। So straight away you guys land here. Airport bana one. Yes. Abhay, you want to go or you want to stay here? अभी डेली बेन को आखिरी बार जाना है पोरबंदर, कुछ और शॉपिंग थोड़ा सा से चल रही है फिर यहाँ से वहाँ से वापस आके फिर निकलेंगे अहमदाबाद के लिए, और मम्मी को जाना है एक एंगेजमेंट में। सीम का वजन है 53 किलो। यस मम्मी का वजन 71 किलो, पापा का 71 में से 9 किलो निकाल देना है। नहीं हमें आने वाला आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है। और रामदेव अभी जा रहे हैं कल सुबह 5:15 बजे इथिया एयरवेज से अबू धाबी है, फिर वहाँ से आपको सामान तो नहीं चेंज करना ना? हाँ वो तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, सिर्फ यहाँ से निकलना है। अभी 5 बजे निकलेंगे तो भी आराम से 2 बजे पहुँच जाएंगे, और फिर कल वहाँ से अबू धाबी। और बच्चे यहाँ पे होम, अभी थोड़ी देर साथ साथ में खेल लो ठीक है। हेलन व्हेन यू कमिंग बैक? नेक्स्ट ईयर यू लाइक हियर और नो दिस टाइम टेल मी? यस। तो अभी बड़ी गाड़ी है तो रामदेव जा रहा है ये गाड़ी लेके, रामदेव इसको एक बार बिठा दो अंदर। शिव को ना आजकल गाड़ी का इतना ही इसको बैठने का है। हाँ अभी कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, इसको चालू कर रहे क्योंकि सब पैकिंग जब से हो रहा है ना शिव को पता चल गया कोई जाने वाले है। रामदेव को बुला रहा है कि ड्राइवर से पे आ जाओ, बापू आएगा तो भी गाड़ी चलेगी। 7 सीटर है लेकिन पीछे की सारी सीट में ये सामान रह जाएगा। तो सामान अभी ऑलमोस्ट आ गया। बाहू बाहू गोना मिस यू, वी ऑल गोना मिस यू टुडे, ही इज लाइक मैचिंग विथ हिम। यू वांटेड टू टेक हिम? यस। देखो मीनू ऑलरेडी पहुंच गया अंदर, देखो मीनू तुमको जाना है। मीनू इसको गाड़ी में जाना बहुत अच्छा लगता है। शिव को वहाँ पे वाली बहन के पास बिठा के रखा है क्योंकि शिव को जाना होता है गाड़ी में इसलिए। संतुलन करे कर दी तो दोनों की इन दोनों की बहुत जमती है और झगड़ा भी होता है। अभय ये बाय 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 बाय। हां सही भारती मम्मी लास्ट टाइम भारती मम्मी ही से इज वेरी क्यूटली हेलन से भारती मम्मी भारती मम्मी मामा है लड़की का मिस एवरीबॉडी। यस सो ऑल लुक एट योर तुम्हारे हो गया गुलाल हो गया तुम्हारे गाल में। हां
कहीं से हाँ, नहीं अभय अभय कहोगी क्या ना हाँ। हाँ, इसकी वजह से जब भी आता है, वैसे तीन बार ये तीसरी बार आया है, लेकिन जब भी आता है तो मम्मी से कंडीशन होती है कि वापस दो महीने में आना है। कर दीजिए अब भाई नहीं तो कर अब भाई नहीं कर रही सबके गाल में वही लग रहा है गुलाब एक दूसरे का जो टीका पापा ने लगा दिया ना वो लग जाता है गालों में। મારા એની હગી કે આ ઓકેજન ઉપર કરવી કે હું તને આમ ઇતા મારે તો જવાનું હોય તે અમે જતા હતા રામદેન ડ્રાઈવિંગ તો ફાવાની ગમે હે ના જી ફરે એટલે આવવાનું થાય અમે પાછા તો જન કર તું કુઈ ગઈ એ હારી પઈ છે નો મંજુ ના હું તો હું એમ નિરાજ ની બાય બાય કયો એટલી તમે વ્યાથી ન કરો જાઉં વી ડુ વન થિંગ યે દોનો બચ્ચો આપ રહે જાઓ યહાં પે મમ્મી કો જાને દેતે યસ ગુડ આઈડિયા અભય ઇઝ ઇટ અ ગુડ આઈડિયા લેટ્સ ટેક ફોટો ઓફ યુ થ્રી ઓફ યુ આ જાઓ ગીવ હગી તો આતા યે લાઈક ઇઝ રી મેક ઓફ વોટ હેપન્ડ લાસ્ટ ટાઈમ યસ હેલન બોલ રહી હૈ મમ્મી કો કી મત રહો બાય બાય કિસી ફુ મમ્મી હે પ્લીઝ લેટ મી ટેક ધેટ વન નો પ્લીઝ No, but the problem is you cannot. Bye bye, kya tha? Telephone. Bye. See bye bye, kya tha? See bye bye, kya tha? See you. See you. I see you. Bye bye, kya tha? See bye bye, kya tha? શિવ ના ખુદ કા વજન શિવ ક્યા લગ રહા તુમકો વો ક્યા હૈ કોઈ સ્ટેજ હૈ વજન બઢાને કી કોશિશ કર રહા હૈ કે વજન બઢ જાય મેરા હૈ ના ઓર અભી ના દો તીન દિન સુના સુના લગેગા આજ તો રામદેવ ઓર મમ્મી ભી ગયે હૈ સાથ મે ઓર ઠેલી બેન હેલન ભાઈ સબ થે ના તો પૂરા ઘર ભરા ભરા લગ રહા થા અભી તો હમ તીન લોગ હૈ ઓર પાપા વાલી વસ્તા ભાઈ હૈ લેકિન વો તો ઈ દિન કો ચલે જાયેંગે સી ઠેલી ફુઈ કા પ્લેન મગર કી પ્લેન મગર જાને ઠેલી ફુઈ સી ઠેલી ફુઈ જાયેંગા ગાડી બાય 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 કે તે દીકો વેટ કરે તમારે
फिर देखो खाना कैसे खा रहा है, देखो पूरा। ओ नो ऐसे कौन खाते है? ओम तुमको सुनना है ना भाई कैसे बोलता है वो, मैं सुनाता हूँ। सी यू सी यू सी यू सी मीनू की करे, सी मीनू की करे, सी बेबी कैसे रोता है आज ना घर पे कोई नहीं है ना, तो सुना सुना लग रहा है। गली बहन हेलन अपाई मम्मी राम दे सब लोग भाई भाई, तो अभी हम जा रहे हैं मासी के घर। और ये सारी ना ग्रीन चिली है जो लगाई हुई है ना, ये सारी पाओ। बहुत सारी मछलियाँ अभी ना आज सुना सुना लग रहा है घर पे, क्योंकि सब लोग चले गए अभी रास्ते में है। यस क्या करूँ मैं, ओके दूसरा चेंज करो। ओम का दो तीन दिन से ना होमवर्क बाकी था, तो वो भी चल रहा है, तो वो भी कर रहे हैं। यहाँ पे हेलन ने लिखा है हेलन वॉज हियर, हेलन वॉज हियर, हेलन वॉज हियर, बहुत ज्यादा अभी ने ए ए ऐसा लिखा है, तो बहुत सारी मेमोरीज है। और आज रात को पहुंचेंगे वहाँ पे 12:30 के आसपास। ओके तो अभी मिस करेंगे थोड़े दिन, तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आज तो पूरा सोच रहे हो, हाँ मैं कर रही हूँ, क्या कर रहे हैं शिव। और शिव के बाल ना पहले सोच रहे थे, लेकिन अभी एक महीने के बाद ही कट करेंगे अभी। तो शिव अभी सो रहा है, टेली बैंड हेलन अभी बस अभी अभी तभी पहुँचने को ही होगी, क्योंकि अभी तभी से चेंज होनी है फ्लाइट वहाँ से। और रामदेन मम्मी आ रहे हैं वापस, वो भी बस आधे घंटे में आ जाएंगे। रामदेन मम्मी टेली बैंड को छोड़ के फिर वापस निकल गए थे रात को, तो वो अभी आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। आज रात का जागना हुआ मम्मी और रामदेन का, तो अभी वो सो जाएंगे दिन को, कुछ काम नहीं है ऐसा। तो अभी सी सो रहा है, तब तक मैं सी निकल जा रहे स्कूल के लिए। सी सो रहा है तब तक मैं एंड ओम निकल जा रहे स्कूल के लिए। अभी एक दो दिन हमें खाली खाली लगेगा, क्योंकि हेलन भाई टेलीबेन सब नहीं है, तो लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, ठीक है भाई उठे उससे पहले हमें निकल जाना है। ओके लोग जल्दी जल्दी आ गए, हम लोग एग्जैक्ट 6 घंटे में आए हैं। हाँ 1 बजे निकले थे, 1:11 पे तुम्हारा मैसेज आया था, और अभी 7:11 दो मिनट बाकी। मम्मी भी गए थे साथ में, तो मम्मी का टाइम निकल जाए। माता होगा ना अनुता होता, मम्मी ना जागने लगे होंगे राम देखो। काम है ना लेवा है कहीं। अभी मम्मी भी आज बड़ी घूम के आ गए हैं, बड़ा मोटी जाता गाड़ी में। मम्मी तो ऐसे ही मतलब हैरान होने के लिए आए, 14 आवर्स की ड्राइव करने के लिए, 5 बजे निकले, सुबह 7 बजे पहुंचे, अभी सो जाएंगे। तो गए वहाँ पे 2 मिनट मतलब आधा घंटा नहीं, एक 1.5 घंटा रुके हम, क्योंकि हम 12 बजे पहुंचे थे, तो 1.5 घंटा वहीं रुके और फिर वापस चल दिए। मैं रामदेव डेली बे अहमदाबाद ले गया था, मैंने तो मना ही किया था, रामदेव ना पढ़ता तो डेली मैंने अहमदाबाद ले गई थी ना, और 3 कलाक अहमदाबाद में फिर भी वापस ले घूम रहे। नहीं मैंने बोला था क्योंकि मैं यहाँ पे ड्राइव करता हूँ, तो मुझे पता है क्योंकि ये कंटिन्यू जब गाड़ी में जाते हैं, तो मुझे पता है मैं ड्राइव करता हूँ, क्योंकि मम्मी थक जाएंगे। लेकिन डेली बहन को यह था कि मम्मी चलो लेते, मम्मी खबर है की डेली बहन को था कि यहाँ पे रोएंगे मम्मी, फिर नहीं मम्मी रोए नहीं, वहाँ पे भी नहीं रोए, यहाँ पे भी नहीं रोए, मम्मी का रोए। अभी सीव ने ये सीख लिया, तो सीव को मजा आ रहा है, चलो ना आने दो, गाड़ी आ रही है सीव की गाड़ी। हम
माय गॉड, इस बच्चे को कोई समझाओ कि अभी तुमको सारी एडल्ट चीजें नहीं करनी है, मैंने चार्ज में रख दिया है, उसको छोड़ दो अब, सेव, गुड, डन डन। मम्मी रामदेव सो गया, और सीव की ना ये कॉलीफ्लावर की सब्जी सीव की फेवरेट है। यहाँ पे ना ओम मेडल लेके आया है, एवरी ईयर ओम के मेडल आते हैं वैसे, ये ओलंपिक की एग्जाम के, और क्लास टॉपर भी रहता है ओम, और गुजरात में भी अच्छी रैंक लाता है, और ये मेडल पापा और शिव को दिए। हाँ हाँ, ये नहीं करेगा, हैं? तो हो। इतने सारे मेडल्स है ओम भाई के, शिव ने पहने हुए। शिव पाहियो पहलो नंबर आयो। शिव को इतने सारे मेडल्स मिले, भारत में मेडल मेड क्या? ओम को एक में 87th रैंक आया है, इंटरनेशनल रैंक पूरे इंडिया में। ओम की ना एक्साइटमेंट ओवर होती है जब मेडल्स आते हैं, तो मुझे जल्द जल्दी आया उठाने के लिए कि मेडल्स आ गए, मेडल्स आ गए। वैसे ये मेडल्स मिले थे वेनसडे को, लेकिन वेनसडे को ओम स्कूल नहीं गया था। हाँ, और तीन मेडल्स मिले ना, अच्छे से रखो। हाँ देखो, एक दिन वेनसडे को गए होते स्कूल तो फिर दिखा पाते हेलन और अभय को, है ना, टेलीफोन को। हाँ।